नमस्कार, कृषि जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूँ अंजलि त्यागी। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने मत्स्य पालन में बहुत ही गहराई से, गहनता से अध्ययन किया और एक ऐसी तकनीक को ईजाद किया जो आपके मत्स्य पालन के व्यापार में बुनियादी तरीके से बदलाव ला सकती है, आप बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वो क्या तकनीक है उसके बारे में आज हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रोफेसर हैं कीट विज्ञान विभाग और प्रभारी हैं मत्स्य पालन में कृषि विश्वविद्यालय मेरठ से। तो मैं डॉक्टर डीबी सिंह जी का स्वागत करती हूँ हमारे कृषि जागरण के इस स्टूडियो में। सर, आपका स्वागत है कृषि जागरण के स्टूडियो में। जी सर। सर, और कोई जानकारी खास ऐसी जो आप हमारे किसान भाइयों को देना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप, चूंकि आजकल का युग जो है उद्यमिता का युग है, आप यदि किसी व्यवसाय में उतरते हैं तो उस व्यवसाय की जो तमाम प्री रिक्वायरमेंट है, पूर्व आवश्यकता है, उसको पहले समझें, उसे ध्यान में रखें। चूंकि आप युवा वर्ग हैं, किसान हैं, जिसकी आमदनी सीमित होती है, आपको उस क्षेत्र के अनुकूल, देश काल परिस्थिति के अनुकूल ही इकाई का चुनाव करना चाहिए और उसमें ऐसी इकाई होनी चाहिए जिसके साथ उसकी और संलग्न इकाइयों को भी समाहित करके अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके। जैसे मछली पालन का कार्य यदि आप कर रहे हैं तो मैं किसान भाइयों को संस्तुत करूंगा कि उसी के साथ साथ मछली के बीज उत्पादन का भी कार्य करें। मोटे तौर पर अगर समझना चाहें तो मछली के बीज उत्पादन का कार्य इतना आसान है जिसको किसान भाई अपने आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम बताना चाहेंगे कि एक कॉमन कार्प मछली होती है जो हमने 6 प्रजातियों का नाम लिया। इसमें केवल एक कॉमन कार्प प्रजाति की मछली ऐसी है जो तालाब में स्वतः प्रजनन करती है। बाकी 5 मछलियां हैं जिनको प्रजनन करने के लिए हमें हैचरी बनानी पड़ती है और उस हैचरी में आर्टिफिशियल वातावरण देना पड़ता है, तब हमारी मछलियां प्रजनन करती हैं। लेकिन कॉमन कार्प ऐसी है जिसकी मेल और फीमेल को छांट करके एक तालाब में रख दिया जाए तो आप देखेंगे फरवरी में वो स्वतः ब्रीड कर जाती हैं। केवल आपको 2 घास जो तालाब में होती है, पोटैमोजिटान और वेलिसनेरिया, उसके पौधे को उखाड़ करके दूसरे तालाब से और उस तालाब में ला करके चारों तरफ बखेर देना चाहिए। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद मछलियां आ करके उस पर अंडे देती हैं और उसको हम 2 तरह से उससे हैच करके बच्चे को प्राप्त कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद उस ग्रास को हम निकाल करके या तो हैचरी में डाल दें, हैचिंग टैंक में। हैचरी के आप विभिन्न अवयव को जानते हैं, एक उसमें प्रजनक टैंक होता है और उसके साथ 2 हैचिंग टैंक होते हैं और 2 स्पान रिसीविंग टैंक होते हैं। हैचिंग टैंक में हम डाल देंगे इस ग्रास को, वहाँ पानी ऑलरेडी सर्कुलेट होता रहता है, उसमें हमारे बच्चे हैच हो जाएंगे। यहाँ फायदा क्या है हैचिंग टैंक में डाल करके कॉमन कार्प के बीज को प्राप्त करने का, कि हम क्वांटिफाई कर सकते हैं कितना बीज उत्पादित हुआ। हम उसे स्पान रिसीविंग टैंक में लेकर के एक 5 है कि इस बीकर में कितने बच्चे हैं और उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि हमें कितने बच्चे प्राप्त हुए। ये काम तालाब में नहीं हो सकता, वहाँ पर अगर हम उस ग्रास को छोड़ सकते हैं जहाँ पर हमारे घास पर फर्टिलाइज अंडे हैं, वो वहीं पर है छोड़ करके उसी तालाब में बच्चे आपको प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता लगेगा कितने बच्चे उत्पन्न हुए। इस प्रकार से ताजे मछली का कॉमन कार्प बीज उत्पादन करके किसान भाई अपने एरिया में सप्लाई कर सकते हैं, अपने तालाबों में गुणवत्ता युक्त बीज का संचय कर सकते हैं। मछली पालन के क्षेत्र में सबसे अहम बात है गुणवत्ता युक्त बीज का उपलब्ध होना। प्रायः देखा जाता है कि कहीं कहीं प्राइवेट हैचरीज में मछली की जो परिपक्वता उम्र है वो लगभग 2 से 2.5 साल, स्पीसीज टू स्पीसीज ये बैरी करती है थोड़ा सा, लेकिन माना जाता है 2 से 2.5 साल में परिपक्व हो जाती है। तो अगर हम इनको अपरिपक्व मछलियों से मेल और फीमेल से प्रजनन करा देंगे तो हमारी जो संतति होगी उसमें तमाम प्रकार की बीमारियों के होने की संभावना रहती है।
इसलिए ऐसी जगह से ही बीज प्राप्त करें जहां गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादित किया जाता हो और जहां भरोसे का किसान उत्पादन कर रहा हो, या आपके आसपास गवर्नमेंट की कोई हैचरी हो या कृषि विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश सरकार का या किसी भी सरकार का हो जहां आप निवास करते हैं, वहां से गुणवत्ता युक्त बीज खरीदें। सर, क्या बीज की जांच करने हेतु कोई लैब या कोई प्रमाणिकता उपलब्ध होती है जब अगर हैचरी कोई बीज बेच रही होती है? बिल्कुल, अगर आप अंगुलिका साइज का बीज लेते हैं तो उस समय तक उनके जो शरीर में पहचान के अंग हैं, हेड कैसा होना चाहिए, शरीर किस प्रकार की है, कलर किसका कैसा होता है, तो उन्हें देख के हम पहचान सकते हैं। लेकिन जब वो स्पान की स्टेज में होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, उस समय डिफरेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है। इसीलिए किसान भाइयों को एक तो पहचान की दृष्टि से, दूसरे उत्तर जीविता की दर से अंगुलिका साइज का मत्स्य बीज संचय करने की ही सलाह दी जाती है। अंगुलिका साइज का जो बीज संचय करते हैं किसान भाई, उसमें किसी प्रकार से उत्तर जीविता की दर में कोई कमी नहीं आती। लगभग 100 में 95 बच्चे आपको वर्ष भर बाद भी प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए हमेशा अंगुलिका साइज के बच्चे को संचय करने की संस्तुति की जाती है, किसान भाइयों को सलाह दी जाती है जिससे वो अधिकतम उत्पादन कर सके। जी सर, सर ये भी थोड़ा सा बताएं, जैसे आपने बताया कि बीज का उत्पादन स्वयं कर सकते हैं किसान, तो थोड़ा सा मैं ये गणित समझना चाहूँगी। अगर किसान खुद ही अपने हैचरी में अगर बीज का उत्पादन कर रहा है तो उसको कितना फायदा या कितनी बचत हो सकती है बाजार से जब वो अगर बीज खरीदता है तो? बहुत अच्छा प्रश्न है। आजकल जो हैचरी है, जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संस्तुत या सीफा मेक या सीआईएफई मेक, केंद्रीय मत्स्य विश्वविद्यालय बॉम्बे, या यहाँ पे आपके उड़ीसा में एक है मीठा जल जीव संस्थान उड़ीसा, यहाँ पर इन्होंने एक पोर्टेबल कार्प हैचरी बनाई है। इस पोर्टेबल कार्प हैचरी की कीमत इस समय 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास होगी। उसमें प्रजनक टैंक, उसमें स्पान रिसीविंग टैंक, हैचिंग टैंक्स होते हैं। ये इतना सस्ता है कि किसान भाई इसे खरीद करके गुणवत्ता युक्त बीज खुद उत्पादित कर सकता है। इसके लिए एक सर्कुलर कार्प हैचरी सीफा या सीआईएफई में होना चाहिए। इसके अलावा भी सर्कुलर कार्प हैचरी होती है, जो सीमेंटेड सर्कुलर कार्प हैचरी होती है वो थोड़ी महंगी होती है, वो 7 से 9 लाख रुपये में बन सकती है। तो उसके लिए किसान भाई सस्ती वाली 2.5 से 3 लाख वाली हैचरी लें और अपने तालाब में जितने भी मछलियां हैं उनसे अच्छे गुणवत्ता युक्त मेल और फीमेल मछलियों को छांट करके एक प्रजनक तालाब का निर्माण कर लें। उस प्रजनक तालाब में मछलियों को पहले से रख लें। 1 हेक्टेयर की एरिया में हम 10 क्विंटल मछली के आसपास प्रजनक के रूप में रख सकते हैं। उन्हें खिलाने पिलाने के लिए हम ठीक उसी प्रकार से ध्यान देते हैं जैसे हमारे यहाँ जब महिलाएं बच्चा जन्मना होता है तो उनका ध्यान रखते हैं। मिनरल मिक्सचर, विटामिन इत्यादि का अच्छी तरह से प्रयोग करके उनको अच्छे से खिलाते हैं। 6 माह पूर्व यानी जून जुलाई अगस्त प्रजनन का सीजन है हमारी मछलियों के प्रजनन करने का, उससे 6 माह पूर्व हम मछलियों को संचित करके प्रजनक टैंक बना लें और उस प्रजनक टैंक में इनको रख लें और वहाँ पर हम इन्हें 3 से 5% शरीर के वजन के हिसाब से भोजन दें और वो भोजन संतुलित भोजन होना चाहिए। संतुलित भोजन में आपको पता है सभी अवयव मिनरल मिक्सचर विटामिन ईस्ट वसा इत्यादि का एक रेशियो में समावेश होता है। उसे सबसे सस्ता अगर देखा जाए तो वो भोजन संतुलित आहार हमें उत्तर प्रदेश एग्रो के द्वारा बनाया हुआ सब्सिडाइज्ड रेट पे मिलता है, वहाँ से लेकर खिला सकते हैं। वैसे तमाम संतुलित आहार और गोदरेज इत्यादि के द्वारा बनाया हुआ मिलता है, वो ले सकते हैं, वो थोड़ा महंगा होता है। इन सभी का पूरे 6 माह पूर्व उन्हें खिला पिला करके अच्छे से प्रजनकों को तैयार कर लें। जो प्रजनक 6 महीने पूर्व अच्छे से तैयार किए गए हैं
उनको हम इंजेक्शन लगा करके मछली के बीज उत्पादन का कार्य कर सकते हैं। इंजेक्शन लगाने से पूर्व हम बार बार महीने में निकाल करके उनकी सैंपलिंग करेंगे। सैंपलिंग में हम देखेंगे कि हमारी मछलियों में कोई रोग विकार तो नहीं है। यदि रोग विकार है तो उसको किसी एक्सपर्ट से संपर्क करके उसका निदान करेंगे। इसके बाद जब हमें प्रजनन के सीजन में इनसे प्रजनन कराना है, उसमें प्रजनन वाले दिन मछली को निकाल करके लगभग 6 घंटे पहले एक हमारे पास टैंक होता है जिसे कंडीशनिंग टैंक कहते हैं, वहाँ ला करके हम मछलियों को रख लेते हैं। ध्यान रखा जाता है कि हमने इसमें एक पेयर को हम काउंट करते हैं कि दो हमारे पास मेल होगा और एक फीमेल होगी। इन्हें हम काउंट करके 3 मछलियों को एक पेयर मानते हैं और जितने पेयर को इंजेक्शन लगाना है उतने पेयर को ला करके हम कंडीशनिंग टैंक में रख लेते हैं। 6 घंटे के बाद ये माना जाता है कि जैसे हमारे मनुष्य प्राणी का ऑपरेशन करना होता है तो इन्हें हम कंडीशनिंग करते हैं, हॉस्पिटल में ले जाते हैं और एक कंडीशनिंग रूम होता है, उनका बेड होता है, वहाँ रखते हैं। इनकी बीपी, शुगर और पल्स इत्यादि सब कुछ जब नॉर्मल रहती है तब हम इनका ऑपरेशन करते हैं। इसी प्रकार मछलियों के प्रजनन में हम देखते हैं 6 घंटे बाद ये नॉर्मल हो जाती हैं, स्ट्रेस फ्री हो जाती है, तालाब से निकालते समय स्ट्रेस में आ जाती है, कुछ मैकेनिकल इंजरी भी हो जाती है शरीर पे, घाव इत्यादि वो सब थोड़ा ये स्थिर हो जाती हैं। उसके बाद एक एक मछली को लेते हैं और हमारे पास वेइंग बैलेंस होता है, उस पर इनका वजन लेते हैं। वजन ले करके हम देखते हैं कितने किलोग्राम की मछली है या ग्राम की मछली है। उनका वजन हमें मान लिया है 1 किलोग्राम की मछली है और मेल है तो उसमें 0.2 ml का ओवाप्रिम, ओवाटाइड, ओवाएफएज या गोनोपोर, ये 4 इंड्यूसिंग एजेंट्स मार्केट में बने बनाए उपलब्ध हैं। कई इसमें ग्लैक्सो इंडिया लिमिटेड द्वारा मार्केट किए जाते हैं और कई अन्य फर्मों के द्वारा किए जाते हैं। तो मेल को 0.2 ml 1 किलोग्राम मछली को देते हैं, फीमेल को 0.5 mg 1 किलोग्राम मछली को देते हैं और प्रजनक टैंक में पानी सर्कुलेट करता हुआ होता है, उस प्रजनक टैंक में इस मछली को डाल देते हैं। 10-12 घंटे बाद ये मेल फीमेल चेंजिंग करते हैं और इनका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। मेल अपने स्पर्म को निकालता है, फीमेल अपने अंडे को निकालती है और ये इसमें फर्टिलाइज हो जाते हैं। अब हम सुबह इसे देखेंगे 5 से 6 के बीच में, तो हमें प्रजनक टैंक में पानी को डाउन करना है। जब 1 फीट पानी रह जाएगा तो उससे हम सारी मछलियों को निकाल लेंगे। क्योंकि मछली का वजन ले करके हमने डाला है तो इसका वजन चाहें तो हम फिर ले लेंगे और फिर इसे एक अलग तालाब बना करके स्पेंट फिश का नाम देंगे। स्पेंट फिश में इन सारी मछलियों को हम डाल देंगे ले जा करके। अब हमारे पास प्रजनक टैंक में केवल अंडे बचे हैं, उस अंडे को निकालने के लिए एक आउटलेट लगा होता है, उसमें आउटलेट पर एक जाली लगा करके अंडे को हम एक टब में पानी भरे रहते हैं उसमें ले लेते हैं। उससे हम एक एक लीटर करके अंडे को नाप लेते हैं कि हमने 10 पेयर 30 मछली को इंजेक्शन लगाया था तो कितने लीटर अंडे हमें प्राप्त हुए। माना कि हमें वो 40 लीटर अंडे प्राप्त हुए तो उस 40 लीटर अंडे को हमारे दो जो इधर सामने ये इसमें हैचिंग टैंक हैं उसमें आधा आधा डाल देते हैं, 15 लीटर एक तरफ या 20 लीटर एक तरफ, 20 लीटर दूसरी तरफ। उसमें हम 100 अंडे को ले लेते हैं। उन अंडों में हम देखते हैं जिसमें अंडे के अंदर वाइट कलर का रुई नुमा स्ट्रक्चर दिखता है जिसे हम योक कहते हैं, तो हम ये समझते हैं कि अनफर्टिलाइज्ड एग है, अनफर्टिलाइज अंडा है। और जिसमें ब्राउन कलर का दिखता है उसे हम मानते हैं कि ये फर्टिलाइज अंडा है। इस प्रकार से 100 अंडे में कितने अंडे फर्टिलाइज हैं, कितने अनफर्टिलाइज हैं वो हम जान जाते हैं, उसे फर्टिलाइजेशन परसेंटेज कहते हैं। अब हम इसमें इसे हैच होने के लिए हैचिंग टैंक में रख देते हैं। हैचिंग टैंक में हैच होते समय ये ट्विचिंग मूवमेंट करता है, ऊपर नीचे अंडे आते हैं, सेल ब्रेक हो जाती है, उससे स्पान निकलता है, जैसे पानी में कीड़े को आपने देखा हो। उस स्पान को हम 3 दिन तक वहाँ रखते हैं क्योंकि उसके योक सैक में 3 दिन तक भोजन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध होता है। उसके बाद हम उसे निकाल करके 4th दिन एक नर्सरी तालाब को तैयारी कर लेते हैं, साफ सफाई करके, और उसमें हापा बांध के रख देते हैं। जब ये उसमें स्थिर हो जाता है
उसके बाद उस हापे को खोल करके उस तालाब में उस बच्चे को हम खाने पीने देते हैं। साथ साथ शुरुआत में हम उन्हें शरीर के वजन का 5% बारीक कपड़े से छाना हुआ भोजन, चूँकि ये छोटे बच्चे हैं, स्पान साइज के हैं, इनको हम देते रहते हैं। इस प्रकार से एक महीने के अंदर ये स्पान हमारे फ्राई में बदल जाते हैं और लगभग 1.5 महीने के अंदर ये फिंगरलिंग में बदल जाते हैं, जिन्हें स्टॉक करके संचय तालाब में हम इन्हें एडल्ट फिश के रूप में ग्रो करते हैं। यानी 750 ग्राम से ऊपर की मछलियाँ जब हम इन्हें ग्रो कर लेते हैं, उत्पादित कर लेते हैं, तो इन्हें बाज़ार में हम सेल करते हैं। अब यहाँ ये बात आपने पूछा था, एक मछली जो 1 किलोग्राम की है वो लगभग 3 लाख अंडे दे सकती है। इसमें टोटल आपके प्रबंधन पर निर्भर करता है कि कितने मछली के अंडे से बच्चे को आप परिवर्तित कर ले गए। ये ठीक उसी प्रकार से है, हाइजीनिक कंडीशन अच्छी रहेगी, आप इसमें साफ सफाई रखेंगे, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से बचा के रखेंगे, तो उतनी ही अधिक उत्तरजीविता होगी। माना जाता है कि 40% तक हम बच्चे में कन्वर्ट करने में सफल हो जाते हैं और उससे लगभग 20% तक अंगुलिका के आकार का बनाने में सक्षम हो जाते हैं। इस प्रकार से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर एक मछली से अगर हम 20,000 अंगुलिका उत्पादित कर लें, तो वो एक मछली जो हमारी 150 से 200 रुपये में किलोग्राम बाजार में बिकती है, वो 20,000 रुपये में दे सकती है। बट ये पूरा कार्य वैज्ञानिक तौर से निगरानी में होना चाहिए। ये बिल्कुल उसी प्रकार से पालन पोषण है जैसे आदमी के बच्चे का पालन पोषण बहुत ध्यान रखकर करना होता है। ये थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं है। किसान भाई कहीं से तकनीकी प्रशिक्षण लेने के बाद बीज का उत्पादन गुणवत्ता युक्त स्वयं कर सकते हैं और मछली पालन के क्षेत्र में गुणवत्ता युक्त बीज और भोजन दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ देखने को मिला कि किसान भाई लाकर बच्चे को संचय कर देते हैं परंतु भोजन नियमित रूप से नहीं कराते हैं, और जब तक वह ऐसा नहीं करेंगे तब तक उन्हें जो नेशनल लेवल का उत्पादन है वो प्राप्त नहीं हो सकता। औसत उत्पादन पर उन्हें समझौता करना पड़ेगा। किसी भी उद्यम या इकाई में अगर हम रिस्क लेकर के पूरी उसकी जो व्यवस्था हमें संस्तुत की गई है उसे लागू करेंगे तभी हम अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ये संदेश हम अपने किसान भाइयों को देना चाहते हैं मत्स्य पालन के लिए। तो हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर डॉक्टर दिग्विजय सिंह जी, जो जिन्होंने पूरी तरीके से वैज्ञानिक तरीके से मत्स्य पालन की बारीकी हमें समझाई, आपको समझाई कि किस तरीके से मत्स्य पालन करना चाहिए, स्वच्छता का कितना ध्यान रखना चाहिए और मिश्रित श्रेणी जिससे मिश्रित शैली जिसमें 6 खास उन मछलियों का उन्होंने जिक्र किया जो एक फैमिली माहौल बनाकर एक दूसरे के साथ रहती है, उसमें रिस्क भी बहुत कम होता है। इसके अलावा आप बीज प्रबंधन भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी या किसी अच्छे संस्थान से इसकी आप प्रशिक्षण लेकर ही करें, क्योंकि इसमें बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से, जैसे कि सर ने बताया कि बहुत ही बारीकी से और बहुत ही ध्यान रखकर बीज प्रबंधन किया जाता है। तो हमारे साथ खासतौर पर किसी जागरण में आज स्टूडियो में मौजूद रहे और उन्होंने मत्स्य पालन की बहुत सारी जानकारी आपको दी। हमें उम्मीद है आपको ये जानकारी ज़रूर अपने मत्स्य पालन के क्षेत्र में लाभ देंगी और इसी तरीके से अन्य जो मत्स्य पालन जो FPOs हैं जो व्यापार के तौर पर इस रोजगार को अपना रहे हैं, मत्स्य पालन को अपना रहे हैं, उनके लिए भी यह कहीं ना कहीं बहुत ही लाभदायक ये जानकारी बहुत ही लाभदायक साबित होगी। तो कृषि जागरण का ये आज एक खास एपिसोड आप देख रहे हैं, जुड़े रहिए कृषि जागरण से। धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।